हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मल्टी सिलेंडर्स इंजन्स में फ्लाईव्हील की साइजेस स्मॉल क्यों होती है एज कंपेयर टू द इंजन हैविंग अ सिंगल सिलेंडर इंजन। इसको जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस आपके पास जो इंजन्स होते हैं उसकी वर्किंग कैसी होती है, तभी हम जान पाएंगे कि फ्लाईव्हील वहां पे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तब इस डिफरेंस को समझ पाएंगे कि वहां पे जो मल्टी सिलेंडर्स इंजन है, मल्टी सिलेंडर्स इंजन में जो फ्लाईव्हील की साइजेज होती है वो स्मॉल क्यों होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहां पे देखिए, यहां पे पेट्रोल इंजन इज देयर, स्पार्क प्लग इज देयर, और यहां पे ये जो है, दीज टू आर द वाल्व्स व्हिच परमिट द एयर। यहां पे देखिए, दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। आप देखिएगा, वेरी फास्ट प्रोसेस, मतलब नंबर ऑफ आरपीएम इज वेरी वेरी हाई। तो सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक को देखिए, इनटेक स्ट्रोक को देखिए। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि जो फ्यूल चार्ज, एयर फ्यूल मिक्सचर कम्स इन टू द सिलेंडर थ्रू दिस वाल्व, इनटेक वाल्व इज ओपन, और यहां पर आपके पास एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में जाता है। ये हो गया पहली स्ट्रोक की बात अगर इंजन को देखें। और यदि नेक्स्ट स्ट्रोक की बात करें, देयर इज अ कंप्रेशन स्ट्रोक, देयर इज अ कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, यू मस्ट सी हियर कि अगर यहां पे देखिए, पिस्टन फ्रॉम बॉटम टू इट्स मूव टू द टॉप। अच्छा, सिमिलरली आप देखिए, यहां पे एक अल्टीमेट लिमिट है जहां तक ये पिस्टन मूव करेगा, एंड देयर इज ऑल्सो द लोअर लिमिट जहां तक वो पिस्टन मूव करेगा। तो जहां पे अपर साइड, जहां पे पिस्टन मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज टॉप डेड सेंटर, और जो बॉटम जहां तक ये मूव कर पाएगा उसे हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन का मूवमेंट बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर से तक होता है, और टॉप डेड सेंटर से बॉटम से, मतलब दिस मूवमेंट टू एंड फ्रो मोशन इज ऑलवेज देयर डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्ट्रोक चल रहा है। सक्शन स्ट्रोक में जैसा आप लोगों ने देखा था कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में इस एयर फ्यूल मिक्सचर को हम लोग कंप्रेस करके ऊपर लेकर जा रहे हैं पिस्टन के, तो अब ये कंप्रेस हो गया। नेक्स्ट स्ट्रोक की बात करें तो उस स्ट्रोक का नाम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। यू कैन सी हियर कि अचानक ये स्पार्क प्लग एक फायर करता है, देयर इज फायरिंग देयर, और देयर इज सडन यू नो द मूवमेंट फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। यू मस्ट सी हियर कि देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, और इस दौरान में देयर इज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर डेवलप इन टू द इंजन। इंजन्स में बहुत सारे पावर्स डेवलप होते हैं इन अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, बाकी जितने सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक्स थे वहां पे पावर्स डेवलपमेंट नहीं था। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक जो आपने अभी देखा जहां पे पावर की डेवलपमेंट हो रही है। यहां पे फोर स्ट्रोक की बात करी जा रही है, एंड नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो कंबसन फ्यूल है वो बाहर इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, यू कैन सी द वीडियो, आपके पास एग्जॉस्ट वाल्व से ये बाहर की तरफ चला जा रहा था। यू कैन सी दिस, एग्जॉस्ट वाल्व से ये बाहर चला गया। तो दिस प्रोसेस इज अगेन, दिस प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, इस प्रोसेस अगर इतनी फास्ट है तो यू मस्ट सी कि अगर हम चार स्ट्रोक में देखें तो देयर इज अ पावर डेवलपमेंट इन ओनली वन स्ट्रोक, दैट इज अ पावर स्ट्रोक, और एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो उसमें अगर पावर डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी में जितने भी स्ट्रोक्स हैं वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली दिस इंजन इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट, और ये जो चार स्ट्रोक्स हैं, इन चारों स्ट्रोक्स को कंप्लीट होने में, इन चारों स्ट्रोक्स को कंप्लीट होने में क्रैंकशाफ्ट की टू रिवोल्यूशन से देर, दो रिवोल्यूशन लेता है। दो रिवोल्यूशन करने का मतलब एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री और दूसरे रिवोल्यूशन में अगेन 360 डिग्री, मतलब 720 डिग्री में होल प्रोसेस ऑफ कंबस्टन एंड द पावर स्ट्रोक इज कंप्लीटेड, जो चारों स्ट्रोक्स हैं। तो अगर हम एक स्ट्रोक की बात करें तो दैट इज 720 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 180,
मतलब अगर हाफ क्रैंकशाफ्ट की हाफ रिवॉल्यूशन में एक स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और आपने देखा कि पावर डेवलप्ड इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, ठीक है। सेक्शन में कुछ पावर डेवलप ही नहीं हो रहा है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट को मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट है, पावर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कंप्रेशन में अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट और एक स्ट्रोक है। तो ये पावर का फ्लक्चुएशन है, इस पावर को फ्लक्चुएशन मतलब स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड से ना मूव करके क्रैंक शाफ्ट की बात करें, क्रैंक शाफ्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा इन द डिफरेंट डिफरेंट, तो देयर इज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। तो अगर हम इस क्रैंक शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट करना चाहते हैं, देखिए ध्यान देखिए, अगर हम एक टॉर्क और थीटा ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज क्रैंक रोटेशन एंगल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ टॉर्क, देयर इज अ टॉर्क एंड एग्जॉस्ट, मतलब तो अगर मैंने आपको बताया कि पाई मतलब हाफ रिवॉल्यूशन पे सक्शन होगा, अगेन हाफ रिवॉल्यूशन कंप्रेशन, अगेन हाफ रिवॉल्यूशन, तो आप यहां पे देखिए वी वांट कि वो जो क्रैंकशाफ्ट है कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करे, देयर शुड नॉट बी एनी फ्लक्चुएशन। अगर ये फ्लक्चुएशन बार बार होगा एक्सेस अमाउंट में, कैन यू फील कि वो इंजन कैसा होगा, कैन यू फील कि वो इंजन कैसा होगा, मतलब समटाइम्स इट इज मूविंग इन 10 आरपीएम, समटाइम्स 40 आरपीएम एंड समटाइम्स 100 आरपीएम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसी फ्लक्चुएशन वी डोंट वांट, तो ऐसे फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए, मतलब अगर हम इस टी मीन टॉर्क को कांस्टेंट कर दे तो पावर मुझे कांस्टेंट मिलेगा, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। एक्चुअल टॉर्क और थीटा डायग्राम कुछ ऐसा मिल रहा होगा आपको, दिस इज द एक्चुअल टॉर्क एंड थीटा डायग्राम। तो यू हैव सीन दिस पार्ट द सैगेड पोर्शन, दिस इज हैविंग द एक्सेस एनर्जी। अच्छा, मतलब पावर स्ट्रोक ही आपको बताया कि वैसे स्ट्रोक है जिसमें एनर्जी डेवलप होता है, बाकी आप देख लीजिए कि देयर इज अ नेगेटिव लूप, दिस वन इज नेगेटिव लूप, दिस इज अगेन द नेगेटिव लूप, दिस इज ओनली पॉजिटिव लूप आउट ऑफ दिस फोर स्ट्रोक। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है, यही एक्सेस एनर्जी का स्टोरेज चाहिए मुझे ताकि सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। तो यू मस्ट नो कि इसको इसकी जो एक्सेस एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए देयर शुड बी सर्टेन इंस्ट्रूमेंट जो इसको स्टोर करे, और इसी स्टोरेज को करने के लिए हम लोग फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं, वी नीड अ फ्लाईव्हील, ठीक है। और आप ध्यान रखिए, फ्लाईव्हील स्टोर द एनर्जी काइनेटिक, मतलब एक मास के तरह में आपने देखा होगा जब आप शुगर के जूसेस जब पी रहे होगे, चाहे इवन मस्ट हैव सीन द जनरेटर, वो जनरेटर में क्या होता है, एक मास आपके पास मतलब हैवी मास इज देयर, ठीक है, व्हील की तरह होता है, और दैट इज अ फ्लाईव्हील। आपने अभी तक सोचा नहीं होगा कि वो है क्या, दैट इज अ फ्लाईव्हील, एक्चुअली दैट इज अ फ्लाईव्हील, वही आपके पास एनर्जी को स्टोर करेगा। अच्छा, फ्लाईव्हील को अगर आपने देखा होगा तो दैट इज मूविंग, ठीक है, तो दैट इज मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड, एक्चुअली दैट इज स्टोरिंग द काइनेटिक एनर्जी। वो स्टोर कैसा कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अच्छा, इस बात को फील कर पाओ, जब अगर हमारे पास सिंगल स्ट्रोक सिंगल इंजन है तो ये चारों स्ट्रोक है, नाउ दिस इज द मल्टी सिलेंडर इंजन। अच्छा, आप देखिए, फील कीजिए इसको, फील कीजिए कि ये फ्लाईव्हील है, आपने देखा होगा कि ऐसे व्हील की टाइप की लगी होती है वहां पे, दिस इज अ फ्लाईव्हील, दिस इज अ क्रैंकशाफ्ट, इसकी क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन को ही मेंटेन जो अभी तक, एंड दिस इज अ कैम शाफ्ट, यहां पे कैम शाफ्ट है, ये बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट से यहां पे होता है, लाइक दैट। अब हो क्या रहा है कि देयर इज मल्टी सिलेंडर, 1 2 3 4, हियर देयर आर 4 सिलेंडर, ठीक है। अगर सिंगल सिलेंडर था तो हमारे पास एक ही सिलेंडर में पावर जनरेट हो सकता था, नाउ वी हैव अ मल्टी सिलेंडर, तो पावर डिफरेंट इंस्टेंट में डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर में जनरेट होगा। यू कैन सी दिस वीडियो एंड यू कैन फील दिस कि देयर इज अ पावर जनरेशन। एक बार देखिए, एक बार में 180, आपको बोला कि 180 में
एक पार्ट कंप्लीट होगा, मतलब पावर स्ट्रोक। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक फायरिंग ऑर्डर कर दूं ताकि एक के बाद, जैसे मान लीजिए दिस द फायरिंग ऑर्डर ऑफ फोर स्ट्रोक इज 1 4 3 2 1 3 4 2, द फायरिंग ऑर्डर इज 1 3 4 2। मतलब पहली बार जब वन सिलेंडर पावर स्ट्रोक में होगा, नेक्स्ट टाइम थर्ड सिलेंडर विल बी इन द पावर स्ट्रोक, नेक्स्ट टाइम फोर्थ सिलेंडर विल बी इन द पावर स्ट्रोक, एंड नेक्स्ट टाइम टू विल बी इन द पावर स्ट्रोक। मतलब दूसरे, जब दूसरे कंप्लीट करेंगे, कम से कम एक सिलेंडर एवरी टाइम एक पावर स्ट्रोक में होगा। तो आप फील कर पाओ एक चीज फील कर पाओ कि अगर हमारे पास पावर स्ट्रोक एक सिलेंडर हमेशा देता रहेगा, तो इस क्रैंकशाफ्ट के पास यूनिफॉर्म पावर आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, लगभग आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि यूनिफॉर्म टॉर्क इज देयर, यूनिफॉर्म टॉर्क इज देयर, बिकॉज एवरी टाइम वन सिलेंडर इज इन द पावर स्ट्रोक। अब एक बार फील कर पाओ, वहां पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था, एक सिलेंडर इंजन था, तो एक सिलेंडर इंजन होने के कारण, एक सिलेंडर होने के कारण हमें एक ही सिलेंडर से पावर बाकी तीनों स्ट्रोक्स में देने पड़ रहे थे, तो क्रैंकशाफ्ट में ज्यादा फ्लक्चुएशन था। यहां पे क्योंकि एवरी टाइम इट इज इन पावर, तो इसकी फ्लक्चुएशन कुछ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, इसकी फ्लक्चुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके साथ आ जाएगा कि आपके पास पावर ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, पावर क्या मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में पावर आप अचीव कर पाओगे मल्टी सिलेंडर इंजन में। एक तो पहला फ्लक्चुएशन को कम कर दिया, और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है पावर के रूप में मिल रहा है, मतलब राइड विल बी वेरी वेरी इजियर, और इंजन आपके पास स्मूथ रनिंग होगा। और वन मोर थिंग, वाइब्रेशन विल बी वेरी वेरी लेस। तो आप एक बार फील कर पाओ कि जहां पे एनर्जी हमें ज्यादा देना था, एक ही इंजन था, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हाई मास फ्लाईव्हील, ठीक है, क्योंकि उसी को स्टोर करना है और बाकी स्ट्रोक्स में देने हैं। यहां पे क्योंकि एवरी टाइम वन इज पावर, तो यहां पे फ्लाईव्हील की साइज यू मस्ट फील कि छोटी होनी चाहिए, ताकि देयर बट स्टिल देयर इज सम फ्लक्चुएशन, जो इसको आप कॉन्स्टेंट कर पाओ, मतलब स्टोर कर पाओ, फ्लाईव्हील स्टोर कर पाएगा एनर्जी को। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि जो फ्लाईव्हील है इन अ मल्टी सिलेंडर इंजन, मतलब जितना नंबर ऑफ सिलेंडर इस्तेमाल करते जाओगे, उतना ही रिक्वायरमेंट आपकी कम होती जाएगी फ्लाईव्हील की। क्योंकि आप देखो फ्लाईव्हील को के एक है वो डेड वेट है, फ्लाईव्हील एक डेड वेट की तरफ बिहेव कर रहा है, देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब उतनी हैवी मास को कैरी करना फिजुल का, आप उतनी मास को कैरी कर रहे हो इंजन के साथ, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अल्टीमेटली यू मस्ट फील कि नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ाने से वेट बढ़ जा रहा है, बट वन एक्स्ट्रा बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर, वन एक्स्ट्रा बेनिफिट कि पावर एटलीस्ट बढ़ जा रहा है। वहां पे अगर आप देखें कि इट वॉज फ्लाईव्हील वॉज नॉट इंक्रीजिंग द पावर, एक्चुअली वी हैव टू कंसिडर ओनली कि वहां पे फ्लाईव्हील काम क्या कर रहा था, फ्लाईव्हील सिर्फ एनर्जी स्टोर कर रहा था और दे रहा था, इट वॉज नॉट डेवलपिंग एनी पावर। सो द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द मल्टी सिलेंडर इंजन, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वन थिंग, और यहां पे मल्टी सिलेंडर इंजन में आपके पास यू मस्ट सी हियर, ठीक है, इस वीडियो को आप यू कैन सी कि दिस इज अ फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2, एवरी टाइम इट इज इन पावर, और इसके कारण ही इस फ्लाईव्हील का जो साइज है, फ्लाईव्हील का साइज वो छोटा होता है एज कंपेयर टू अ सिंगल सिलेंडर इंजन के तुलना में। मल्टी सिलेंडर इंजन में जो फ्लाईव्हील की साइज होती है वो छोटी होती है। आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.